हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल जैसे आपको दिखाया हमने KLCC पार्क, और अब हम हो गई सुबह वाली और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हम निकलेंगे। तो हम अब निकलेंगे यहाँ से बाटू केव्स के लिए, रेडी होंगे फटाफट, लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक घंटे आगे है ना, तो और भी नहीं देती बहुत जल्दी, तो खुलती ही नहीं है। तो चल रहे ब्रेकफास्ट करें, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या इंडियन है क्या है, बस जाके देखते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ पे सनराइज ना बहुत लेट होता है, मतलब 7:30 बजे के आसपास। ये है इंडियन स्टेशन जहाँ पे इंडियन हमें मिलेगा, सैंडविच खाने को मिल रहा है, वेफर्स है, अच्छा मुझे सैंडविच लगा, एग्स हैं और ये ऑमलेट है। इंडियन में बस दो चीज़ें हैं, बाकी सारा सब कुछ वही। हमने इतना अच्छी जगह चूज किया ब्रेकफास्ट करने के लिए। हाँ, यहाँ पे कितना क्लियर हो रहा है फेस वॉश। ये है भाई पूल रूफ टॉप, भाई डर लगेगा। आज बाटू केव से आ रहे हैं जहाँ पे टेम्पल है, तो अभी हमें इतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, वहाँ पहुँच के हम आपको दिखाते हैं हम कैसे जा रहे हैं, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा अगर आप आते हो तो आप कैसे जाते हो और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, तो हम वहाँ पे पहुँच के दिखाएंगे। चलिए अब होटल से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से एक्चुअली होटल ना इसके पास पास ही सारा सब कुछ है, तो 5-10 मिनट बस हमें लगता है हम पहुँच जाते हैं। तो हम निकल रहे हैं अब जस्ट, और उसके बाद कैब बैठ के आपको करते हैं। हम लोगों की आ गई कैब और अब हम लोग निकल गए बाटू केव्स के लिए। और यहाँ पे कितना टाइम दिखा रहे हैं अभी, मतलब 23 मिनट्स दिखा रहे हैं, 23 मिनट्स में हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और चल के देखते हैं। वैसे ना गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, बट मौसम कल से ना आए जब से तब से अच्छा हो रखा है, इतनी ज़्यादा गर्मी कल थी नहीं, घूमने बहुत अच्छा लगा। और अभी जाते बाटू केव्स, फिर देखते हैं क्या है, गर्मी है कि मौसम अच्छा रहेगा, तो बहुत सही रहेगा। वैसे लेट हो गया, जल्दी निकलना था बट हमें लोग गया है लेट, तो चलिए पहुँचते हैं अभी। पहुंच गए 10 मिनट के अंदर ही बाटू केव्स, तो वहाँ पर से आपने देखा इतने सारे राइडर्स के शोज और शायद कुछ है इनका, और इससे बच्चे ये राइडर्स राइड भी कर रहे हैं, उसके पीछे पुलिस भी जा रही है अपनी अपनी गाड़ियों से, इनका होगा कुछ भाई। स्टैचू भगवान मुर्गन का है। भगवान मुर्गन कौन थे? शिव जी के ग्रैंडसन थे। यस, भगवान कार्तिकेय। आप सिर्फ यहाँ नहीं के ऊपर तक पहन के आते हो, तो आप स्ट्रॉलर स्काफ लेके आओ, ये बांध के आपको देंगे, तो यहाँ पे बांध के जाना पड़ेगा, आप पैर खुला लेके नहीं जा सकते। ये मैंने देख लिया था वीडियो में, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे पूरा फुल पहन के आई हुई हूँ। मैं तो पहन के पूरा देखे फुल आई थी, बट मेरा पीछे से थोड़ा सा नहीं दिख रहा, इस वजह से बोल रहे कि आपको पहन के जाना पड़ेगा, बट अगर आप आ रहे तो आप शॉर्ट ड्रेस या कुछ ऐसा ऊपर पीछे से खुला भी मत पहन के आओ, नहीं तो आपको यहाँ पे स्कार्फ बांध के जाना पड़ेगा, तो मुझे बांधना पड़ेगा स्कार्फ, फिर मैं तभी मैं जा पाऊंगी ऊपर। तो भाई नहीं, हमने नहीं पहना, मुझे उसे छुड़वा लिया क्योंकि मेरा नीचे भाई, मेरे तो लॉन्ग पहन के आए, जबरदस्ती पहना रहे थे कि आपका नी नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे ये इनका रूल है। यहाँ से भाई यहाँ तक तो ऊपर आगे में भी इतना ऊपर जाना है, यहाँ तक तो आगे में इसके ऊपर जाना है, हालत खराब हो गई है हमारी। ये पूरा केव है और यहाँ पे छोटे छोटे स्टोर्स भी है, और यहाँ पे मैरिट बन रहा है, बट एक्सपेंसिव है यहाँ के हिसाब से, बट इतना ऊपर है तो ऑब्वियस बात है। भाई बहुत सुंदर है, जैसे आपने देखा है भगवान मुर्गन का टेम्पल है और पूजा होती है, साफ साफ इंडिया बहुत अच्छे से इन लोगों का बनाया हुआ ये टेम्पल है। और अगर आप आते नीचे, इसके ऊपर भी अभी जाना है पूरा केव के अंदर, तो इसके ऊपर भी इतने स्टेयर्स जानी है, उसके बाद भी बंद टेम्पल है, ठीक है, बहुत सुंदर है। मतलब मलेशिया में आके देखने में जकार्ता में हुआ टेम्पल, बट ये मलेशिया का बहुत सुंदर टेम्पल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, अगर आप आते तो यहाँ पर आप ज़रूर आओ एक बार। हमने कर लिया यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैग्नेट ही मिलता है, तो हमने मैग्नेट वगैरह ले लिया। इधर ऊपर
ऊपर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, उतरना तो इजी है। तो हम लोग फिर आ गए अभी सब कुओं के नीचे और बहुत क्राउड है आज जैसे वीकेंड से, जैसे बहुत ज़्यादा और बहुत सुंदर है यार। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना सुंदर हो गया, बट बहुत सुंदर है यहाँ पे। वैसे हम सही टाइम आए थे, धूप इतनी ज़्यादा थी, बट अभी धूप हो गई, बट गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत बड़े एरिया में है, बहुत सुंदर है। वाह यार बहुत सुंदर है। और फिश देखो आप, बाटू केव से निकल के आओगे भगवान के दर्शन करके, उसके बाद आगे जाने के लिए। वहाँ तो एंट्री फ्री थी, बट यहाँ पे एंट्री का पैसा लगेगा, और जाके हम चेक करते हैं कितना पैसा लगेगा, फिर हम आपको बताते हैं। बट जा रहे बहुत सुंदर लग रहा है बाहर से, तो पहले तो मुझे नहीं जाएंगे, बहुत सुंदर लग रहा है तो जरूर जाएंगे। इतनी दूर आए तो आप जब वहाँ से आओगे ना, आप वहाँ से आओगे आपको ये मिलेगा एंट्रेंस का। अब यहाँ से एंट्री करेंगे और हम यहाँ पे पांच चेंजेस लग रहा है, सिर्फ पांच ही, और हम एंट्री करेंगे। बहुत वैसे बहुत सुंदर लगे। नेचुरल वाटर, हाँ पूरा बाटू केव्स आपको घुमाए अगर आप आते हो तो आपके लिए भी बहुत इजी है, और बहुत पूरा घूम के ज़रूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत पसंद आया भाई। और पहले तो मतलब एक दो जगह वैसे कि मैं दिशा में दो तीन जगह घूमने का है, कुआलालंपुर में सारी, तो फिर हम कुआलालंपुर में इतनी जगह जैसे बाटू केव्स हो गए तो मेन मेन चीज़ें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा दो तीन दिन का टाइम है, बहुत अच्छा लगा। एक दो घंटे लगेगा आराम से, आप घूमो घूम के जाओ, और थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करो। हमें तो लेट हो गया था, तो थोड़ी सी धूप हो गई है, अदरवाइज़ वेदर अच्छा है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो थोड़ा जल्दी आओगे तो आपके लिए इजी होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग, आप ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे केएल टावर, तो आपको दिखाएंगे, तो आप ब्लॉग में देखते रहना। और अगर आपको ब्लॉग ऐसे देखते रहना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।